हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि हम आज आपके लिए जीके और जीएस से संबंधित प्रश्न उत्तर की क्लास लेकर आए हैं। सो ये टॉप 100 क्वेश्चन की क्लास रहेगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप अपने किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, NTPC, CBT 2, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो फ्रेंड्स, आप हमें अपना स्कोर आंसर करके बताइएगा कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सूरत, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में शुरू की थी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। थर्ड क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्री रंगपट्टनम में बनाई थी। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ क्वेश्चन है, पानी में अघुलनशील होता है। तो पानी में कैल्शियम कार्बोनेट अघुलनशील होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है? किसके अधिकार को? शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। सिक्स क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। सेवन क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 1919 में, 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। प्रश्न नंबर 8 है, रक्त का पीएच मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नवा क्वेश्चन है, यह कथन किसका है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह कथन सुभाष चंद्र बोस जी का है, क्योंकि उन्होंने ही यह कथन दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। टेंथ और लास्ट क्वेश्चन है, लुप्त प्राय एशियाई शेर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गुजरात राज्य में पाए जाते हैं।
सो फ्रेंड्स, आप हमें आंसर करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में, आगे भी आपको ऐसी हेल्पफुल क्लासेस मिलती रहेंगी।